अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी कहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने बाइडेन के इस बयान से अपना पल्ला झाड़ लिया है। पर यह वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी होता कौन है, क्या होते हैं इसके मतलब, आइए ये भी आपको बताता हूं। Asked me whether I would call. Oh, I think he is a war criminal. Will you be meeting with him? बदलते हालात के बीच बेशक जंग थमने की उम्मीद नजर आने लगी हो, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक ऐसी बात कह दी जिसे आग में घी डालने वाली बात कही जा सकती है। बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी कह दिया। हालांकि किसी को युद्ध अपराधी यूं ही करार नहीं दिया जा सकता, इसके लिए लंबी चौड़ी जांच होती है और पूरी प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही ये तय होता है कि कोई शख्स युद्ध अपराधी है या नहीं। ऐसे में बाइडेन के इस बयान से जहां एक तरफ रूस भड़क गया है, वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने सफाई देकर अपने ही राष्ट्रपति बाइडेन के इस बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। असल में यूक्रेन में रूस तबाही की नई कहानी लिख रहा है। सैटेलाइट से दिख रही तस्वीरें मारियूपोल की हैं, जहां एक थिएटर में महिलाओं और बच्चों ने शरण ले रखी है। इसके आगे पीछे चिल्ड्रन लिखा है ताकि रूसी फौज इसे निशाना न बनाए, मगर यूक्रेन का आरोप है कि इसके बावजूद रूस ने इसे निशाना बनाया। रूस के इन हमलों से बौखलाए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा है कि क्रेमलिन हमारे जमाने का हिटलर है और पुतिन को युद्ध अपराधी करार दिया जाना चाहिए। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन को युद्ध अपराधी बताया है और उनका ये बयान न तो कबूलने लायक है और न ही माफ करने लायक। मगर अमेरिकी कांग्रेस को ऑनलाइन संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने अपने देश पर हुए हमलों की तुलना अमेरिका में हुए 9/11 हमले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पर्ल हार्बर पर हुए हमले से कर दी। यही नहीं, जेलेंस्की ने यूक्रेन को तबाही से बचाने के लिए एक बार फिर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की अपील की। Is this a lot to ask for to create a no-fly zone over Ukraine to save people? Is this too much? I have a dream. These words are known to each of you today. I can say I have a need. I need to protect our sky. जेलेंस्की ने इल्जाम लगाया कि रूस यूक्रेन पर 1000 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका है और ऐसी भयावह स्थिति दूसरे विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं दिखी होगी। ऐसे में रूस पर युद्ध रोकने का दबाव अब चौतरफा बढ़ गया है। आज तक ब्यूरो।